हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग आईपीसी की सीरीज में आज सेक्शन 93 पढ़ने जा रहे हैं और 93 के सारे पहले वीडियो सारे सेक्शन के, यानी कि सेक्शन 81 से लगा करके सेक्शन 92 तक के वीडियो सेपरेट सेक्शन पर मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट आईपीसी की ओपन कर ले और उससे संबंधित वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 93। तो सेक्शन 93 संरक्षित करता है कम्युनिकेशन को संरक्षित करता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स संसूचना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सामने वाले को कोई बात कम्युनिकेट करता है, कोई संसूचना उसको देता है और उस संसूचना की वजह से सामने वाले व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है, कोई अपहानिकारित हो जाती है, तो ऐसी कम्युनिकेशन यदि गुड फेथ में की गई है और उस व्यक्ति के भले के लिए की गई है जिसको हमने वो संसूचना दी, अगर ये दो बातें क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, साबित हो जाती है, तो कम्युनिकेट करने वाला व्यक्ति इस सेक्शन का लाभ उठा सकता है और उसे दोषी नहीं माना जाएगा। यहां पर ये जो कम्युनिकेशन है इसकी शर्त है वो पूरी होना चाहिए। तो इसका जो सेक्शन 93 का हेड है वो खुद कहता है कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। एक बात तो हेड ही कहता है इसका, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सेक्शन 93 का हेड ही कहता है। तो इसका मतलब यह है कि गुड फेथ पे तो होना ही चाहिए। अब ये जो कम्युनिकेशन है अगर किसी व्यक्ति को दी गई है तो उसे हार्म हो सकती है या उसे हार्म हो गई है, कोई क्षति हो गई है, लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन उस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया गया है, बेनिफिट फॉर दैट पर्सन, अगर ये कम्युनिकेशन उस पर्सन के बेनिफिट में किया गया है और ये कम्युनिकेशन गुड फेथ में किया गया है तो कम्युनिकेटर यानी कि करने वाला कम्युनिकेटर जो है वो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, ये सेक्शन 93 कहता है। तो ये कम्युनिकेशन गुड फेथ पे और जिसको दी जा रही है उसके बेनिफिट के लिए अगर हमने कर दिया है तो उस व्यक्ति को भले ही कोई हार्म हो जाए लेकिन कम्युनिकेटर यहां पर दोषी नहीं माना जाएगा, उसे धारा 93 का लाभ मिल जाएगा। बहुत से ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को कोई संसूचना देना जरूरी होता है, यद्यपि सूचना देने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि यदि मैं इसे ये सूचना दूंगा, ये कोई बात बताऊंगा तो इससे संभावना है कि इस व्यक्ति को कोई क्षति हो जाए, कोई हानि हो जाए। उस बताने वाला व्यक्ति जानता है इस बात को, ये भी याद रखना है। ये हार्म जो हो रही है तो कम्युनिकेटर को पता है कि ये हार्म हो सकती है। जिस व्यक्ति को हम वो सूचित करेंगे, वो बात बताएंगे, तो हमें पहले ही पता है कि अगर मैं ये बताऊंगा तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी उसके भले के लिए जरूरी है हमें बताना। तो अगर हमने उसके भले के लिए कम्युनिकेट किया है
और हमारा कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है, मेंस रिया नहीं है, हमने गुड फेथ पे काम किया है कि यार बता देना जरूरी है उस बंदे को, अगर नहीं बताएंगे तो हो सकता है उसका उससे भी बड़ा लॉस हो जाए। तो हमने गुड फेथ पे काम किया, हमने विद ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ काम किया। गुड फेथ का मतलब ही है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो हमने विद ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ उस बंदे के बेनिफिट के लिए वो संसूचित किया, ये जानते हुए कि अगर ये संसूचना मैं उसे दूंगा, ये सूचना उसे दूंगा, ये बात उसे बताऊंगा तो उस व्यक्ति को अपहानि हो सकती है, लाइकली टू काच हार्म हो सकता है, यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, शॉक भी लग सकता है। कुछ ऐसी संसूचनाएं हो सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है, अगर हमने उसको बताया, हमें अंदाजा है कि हो सकता है ये सुन के उसे वो शॉक्ड ना हो जाए, उसको उसकी डेथ ना हो जाए, वो सदमे में ना पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा ये गुड फेथ पे हम कर रहे हैं और उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो धारा 93 हमको बचा लेगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि भाई हमने ऐसी संसूचना दे दी तो हमारी वजह से, या ये बात उसको बता दी इस वजह से मर गया और इसने जानबूझ करके ऐसी बात बताई, ये बात बताना जरूरी नहीं था। दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, ये अलग बात है। अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो धारा 93 आपको नहीं बचाएगी। धारा 93 आपको तभी बचाएगी जब आप ये साबित कर देंगे कि हमने तो भाई गुड फेथ पे काम किया और हमने उस बंदे का वास्तविक भला करना चाहा, हमने उसके बेनिफिट पे ही काम किया, तो आपको धारा 93 बचाएगी। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, इलस्ट्रेशन वो डॉक्टर साहब का वो भी है। मान लीजिए कोई रोगी डॉक्टर साहब के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपनी सारी जांचें करवाता है, डॉक्टर साहब सारी बातों को सुनकर के, सारी जांचों को देखने के बाद वो इस ओपिनियन पे पहुंचते हैं और जो ओपिनियन उनके दिमाग में आती है उससे उन डॉक्टर साहब को भी पता चल गया कि अरे ये तो ऐसा मामला है, और अगर इसको ये बात बताई जाएगी तो इसको शॉक लग सकता है, इसको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब को ये भी लगता है कि ये बात बताना इसको जरूरी है, अगर ये बात नहीं बताई जाएगी इसको तो हो सकता है कि ये और बड़ी प्रॉब्लम में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि भाई आपका कुछ अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है, जो कुछ भी आपके पास हो उसको आप जैसे भी निस्तारित करना चाहते हो या जैसे भी जो बचा हुआ जीवन है जीना चाहते हो तो जी लो खुल करके। डॉक्टर साहब तो गुड फेथ पे ये काम कर रहे हैं कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपकी अंतिम इच्छा है, जो कुछ भी है वो आप कर लो, डॉक्टर साहब ये चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब ने ये सब सोचने के बाद उस पेशेंट को बता दिया, अपनी ओपिनियन उनको दे दी, वो ओपिनियन सुनने के बाद पेशेंट को शॉक लग गया और पेशेंट की मौत हो गई। अब पेशेंट की मौत हो गई तो फिर मामला इसी जगह पर पहुंचेगा। अब वहां पर डॉक्टर साहब को धारा 93 बचा लेगी अगर डॉक्टर साहब ये दो बातें बता देंगे, सिद्ध कर देंगे, साबित कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो ये इस टाइप की कम्युनिकेशंस को संरक्षित किया गया है जो किसी व्यक्ति के भले के लिए और सद्भावपूर्वक की जाती है। इस टाइप की, हर टाइप की कम्युनिकेशन को संरक्षित नहीं किया गया है, यहां पर इस टाइप की कम्युनिकेशन को संरक्षित किया गया है धारा 93 के अंतर्गत। इसमें एक विशेष बात यह है कि अगर दो व्यक्ति हैं, देखिए ये एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, ये दोनों पर्सन है। अब एक कम्युनिकेटर है, ए ने बी को कम्युनिकेट किया, ये कम्युनिकेटर है, ये जो सूचना का बी है ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर है,
तो यहां पर वास्तव में ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इनके भले में इनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर अभी कोई अपराध जैसा तो मामला है नहीं। लेकिन ये बताया गया कि यदि सेक्शन 93 के अंतर्गत ये मामला नहीं आता, मान लीजिए ये कोई अपनी बात साबित नहीं कर पाते, ये गुड फेथ बेनिफिट को साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये अपराधी हो जाएंगे, अभियुक्त हो जाएंगे। तो अगर 93 लागू नहीं होती है, उसके अंदर ये मामला नहीं ले जा पाते हैं, तो ये अभियुक्त हो जाएंगे। अब यहां पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो कम्युनिकेटर हैं और जो ये रिसीवर है, इन दोनों में से कोई भी अनुचित लाभ ना उठा सके और कोई भी उचित सुरक्षा से बच ना सके। ये एक विशेष बात है। 93 का मेन मकसद यही है कि इन दो व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति अनुचित सुरक्षा प्राप्त ना कर सके और कोई भी व्यक्ति उचित सुरक्षा से वंचित ना रह जाए। तो ये दो बातें आपको यहां समझनी है कि सेक्शन 93 का मूल मंत्र यही है कि दो व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अनुचित सुरक्षा का लाभ ना उठा सके, ना तो ये और ना तो ये, और कोई भी व्यक्ति उचित सुरक्षा से वंचित ना रह जाए, ना तो ये ना तो ये। तो ये अनुचित सुरक्षा और उचित सुरक्षा को ध्यान में रखना है, यही 93 का मूल मंत्र है। तो ये दो शब्द याद रखिएगा, अनुचित सुरक्षा और उचित सुरक्षा, ये दो शब्द आपको याद रखना है। इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अनुचित सुरक्षा का लाभ ना उठा सके और यह अनुचित सुरक्षा प्राप्त ना कर सके और कोई भी व्यक्ति इन दोनों में से उचित सुरक्षा से वंचित ना रह जा पाए, ना रहे, बस यही सेक्शन 93 बताता है। दो ही बातें इसमें विशेष हैं कि इन दोनों में से कोई भी अनुचित सुरक्षा ना प्राप्त कर ले और इन दोनों में से कोई भी उचित सुरक्षा से वंचित ना रह जाए कानून की नजर में। दूसरी बात, कम्युनिकेशन है, गुड फेथ में होना चाहिए और जिसको दी गई है उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। बस इससे ज्यादा सेक्शन 93 में कुछ भी नहीं है। तो अगर ये चीजें आपको पता है, कहीं भी इस चीज को अप्लाई करके आप पता कर लें, जो कम्युनिकेशन है वो गुड फेथ पे है, बेनिफिट के लिए है या नहीं है, है 93 नहीं है भोगो, जो भी होगा समझो ये तुमने है, क्यों बताया फालतू में, है ना। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन 93 को खेल खेल में भी समझ सकते हैं। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको लगता है कि ये मेरे वीडियो आपको हेल्प करेंगे आईपीसी को समझने में और कानून के एग्जाम को पास करने में, एलएलबी वगैरह जो भी आप कर रहे हैं उसमें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुडिशियल एग्जाम वाचर मेरा चैनल है। और अगर किसी विशेष बिंदु पर कोई वीडियो चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देखने के बाद उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो ईमानदारी से, तो या फिर डिसलाइक कर दीजिए, तो कम से कम ये तो पता लग जाए कि भाई लाइक कर रहे हैं कि डिसलाइक कर रहे हैं। आप लोगों का ना तो लाइक दिख रहा है ना ये डिसलाइक दिख रहा है, कम से कम कुछ तो करा करो भाई, वीडियो देखने के बाद कुछ तो होना चाहिए। आप ला के स्टूडेंट हो, डिसीजन मेकर हो, जजमेंट टेकर हो, तो कुछ तो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।